माई चैनल इट्स अबाउट विद इन विशाखा सिंह। मैं हूँ विशाखा और मैं आज आ गई हूँ आप सबके साथ एक नए वीडियो के साथ। ये वाला जो मेकअप लुक आप लोग देख रहे हैं, ये मैंने मेकअप लुक क्रिएट किया है न्यूली ब्राइड्स के लिए। आप लोग शायद मैंने अपने चैनल पे अपलोड भी कर दिया होगा और आप लोग जाके देख सकते हैं। ये बहुत ही प्यारा सा मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया है और बहुत ही ब्यूटीफुल सा पॉप आउट हुआ है ये लुक। तो न्यू ब्राइड्स के लिए ये मेकअप लुक बहुत ही परफेक्ट है डेली बेसिस पे। तो आप लोग जाके ये लुक चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पे। आज मैं जो आप सबके लिए लेके आई हूँ वीडियो, वो है माय ब्राइडल लहंगा। तो जो है मेरी शादी आज से लगभग 6 साल पहले हुई थी। तो उस टाइम पे रेड और मरून कलर के लहंगे के बहुत ज़्यादा ही ट्रेंड था। और आजकल तो सबको पता है बहुत ही पेस्टल शेड्स या जो है बहुत ही लाइट कलर के लहंगों का ट्रेंड चल रहा है। सारे लोग अपनी शादियों में बहुत ही लाइट कलर के या पेस्टल कलर के लहंगे पहनते हैं। डार्क रेड और मरून तो थोड़ा आउट ऑफ फैशन हो गया, लेकिन आज से याद करिए कि 5-6 साल पहले, लेकिन आज भी कुछ लोगों को रेड और मरून ही पसंद है, पर आज से 6 साल पहले तो रेड और मरून का ही ट्रेंड था। तो मैंने भी अपनी शादी में मरून रेड कलर का ही लहंगा लिया हुआ था। मैं वो आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वैसे ब्राइडल लहंगे की एक खास बात ये होती है कि उन्हें हम एक बार शादी के बाद दोबारा पहन नहीं सकते हैं, लेकिन ये भी होता है कि हम अपने लहंगे को किसी को देना भी नहीं चाहते हैं। कोई एक बार पहनने के लिए मांगे तो ठीक है, पर कोई हमेशा के लिए लहंगा मांगे तो बिल्कुल भी मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं उसको दे दूँ। तो यही होता है कि एक बार हम अच्छा खासा पैसा लगा के इन्वेस्ट कर देते हैं लहंगे में, ब्राइडल लहंगे में, उसके बाद फिर जो है वो किसी यूज़ का नहीं रह जाता है, चाहे हम पहने या ना पहने। लेकिन ये है कि हम किसी को देते नहीं, हम अपने पास रखते हैं। तो मैं भी अपने पास अभी तक ये लहंगा रख, देखिए कब तक रहेगा मेरे पास। पर चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लहंगे के साथ। ये जो मेरा लहंगा है रेड और मरून कलर के, देखिए बहुत हैवी लहंगा है बाबा। ये जो मेरा लहंगा है इसमें नीचे सैटिन की लाइनिंग है अंदर, उसके ऊपर नेट का फैब्रिक लगा हुआ है और उस नेट के फैब्रिक के ऊपर जरी का वर्क है और उस जरी के वर्क के ऊपर यहाँ पे छोटे छोटे स्टोन्स लगाए हुए हैं। अंदर सैटिन का फैब्रिक, उसके ऊपर नेट का फैब्रिक, उसके ऊपर जरी वर्क, उसके ऊपर स्टोन्स, बहुत ही ब्यूटीफुल सा कॉम्बिनेशन है और बहुत ही प्रीटी लहंगा लग रहा था उस टाइम पे। और ये देखिए बीच बीच में यहाँ पे वेलवेट की पट्टियाँ लगाई हुई हैं, उस पर भी जरी वर्क और जो है स्टोन वर्क आपको मिल जाएगा। लहंगे की वेस्ट पे जो है इसकी वेस्ट पे वेलवेट की पट्टी लगी हुई है और इसमें मैंने ये वाला लटकन लगवाया हुआ था। टेलर से बोल के मैंने ये लटकन लगवाया हुआ था, देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा लगता है। और यहाँ पे साइड में मिल जाती है हमें जिप, ओपन क्लोज करने के लिए यहाँ पे हमें जिप मिल जाती है। इसके बाद ये जो है फिश शेप लहंगा, फिश कट लहंगा नहीं बोलते, जो ऊपर से ऐसे फिर नीचे जाके फ्लेयर, तो उसी टाइप का लहंगा, उसी शेप का लहंगा। देखिए ऊपर से थोड़ा नैरो और नीचे जाके बिल्कुल फिर ब्रॉड। लहंगे का फ्लेयर भी काफ़ी अच्छा था, आपको लहंगे की बॉर्डर पे यहाँ पे कटवर्क बॉर्डर मिल जाता, देखिए कटवर्क बॉर्डर मिल जाता है यहाँ पे। इस तरह से आपको नीचे नीचे एक बड़ा सा फ्लावर्स का बूटा मिल जाएगा और यहाँ पे बॉर्डर पे इसके यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा स्टोन लगा हुआ मिलेगा। बीच बीच में भी इस बॉर्डर पे बड़े बड़े से स्टोन आपको मिल जाएंगे और बॉर्डर जो है इसका कटवर्क बॉर्डर है। और अंदर आपको देखिए यहाँ पे अंदर सैटिन की लाइनिंग मिलेगी, सैटिन की लाइनिंग, उसके बाद टू लेयर ऑफ कैन कैन आपको मिलेगा, जिससे इस लहंगे में फ्लेयर भी बहुत अच्छा आता है। उसके बाद आपको अंदर एक और लाइनिंग मिलती है, नहीं बस इतनी ही लाइनिंग। और इसमें भी वो टाइट वाला कपड़ा जो होता है ना, जो कैन कैन वाला कपड़ा होता है, वो भी इसमें डला हुआ है, जिससे लहंगे का फ्लेयर तो बहुत ही प्यारा आता है। तो ये है मेरा ब्राइडल लहंगा।
ये लहंगा मैंने सिर्फ दो बार पहना हुआ था, एक बार अपनी शादी में और दूसरी बार एक क्लोज रिलेटिव की शादी थी जस्ट मेरी शादी के बाद, दो बार बस, उसके बाद से ये लहंगा मैंने कभी नहीं पहना है, यानी करवा चौथ में भी नहीं पहना। इतना हैवी लहंगा इसको कौन पहनेगा, बहुत हैवी लुक देता है इस वजह से। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने ब्लाउज की तरफ, लहंगे के ब्लाउज की तरफ। तो ये ब्लाउज जो है लहंगे का वो वेलवेट का ब्लाउज है, देखें वेलवेट का मटेरियल है डीप मरून कलर में, और इस पे भी जरी, वही वाला जरी वर्क जो लहंगे में दे रखा है वही जरी वर्क, और जरी के ऊपर ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे से स्टोन्स लगे हुए हैं, और यहाँ बीच बीच में बड़े वाले स्टोन, वी शेप वाले स्टोन लगे हुए हैं। ब्लाउज ये पैडेड है, पैडेड ब्लाउज है, यहाँ पे पैड डाला हुआ है, और नेक मैंने इसका राउंड ही बनवाया था, राउंड नेक है, और पीछे देखिए पीछे भी राउंड नेक है, और डीप नेक का पीछे का नेक डीप है, और यहाँ पे पीछे डोरी लगी हुई है, इस टाइप के मैंने लटकन्स लगवाए हुए थे, और इसकी स्लीव्स मैंने उस टाइम पे छोटी स्लीव्स का ही फैशन था, तो मैंने स्लीव्स अपनी छोटी बनवाई थी, और स्लीव्स पे भी वही वाला वर्क आपको मिल जाएगा। तो लहंगा रेड और ब्लाउज मरून कॉम्बिनेशन बहुत ही ब्यूटीफुल था मेरे लहंगे का। फिलहाल अब ये ब्लाउज मुझे फिट नहीं आता है, अल्टर करवा सकती हूँ मैं, कभी पहनना हुआ तो अल्टर करवाऊंगी, पर अभी तो मुझे वो ब्लाउज फिट नहीं आता है बिल्कुल भी। नाउ मूव टू द दुपट्टा, दुपट्टा की तरफ मूव करते हैं। दुपट्टा है बहुत ब्यूटीफुल सा रेड कलर, टमेटो रेड कलर, इस पे बहुत ही प्यारा सा इस कलर के बूटे दिए हुए हैं, इस टाइप के जरी वर्क के बूटे दिए हुए हैं, जिसपे वही वाले छोटे वाले स्टोन्स और बीच में बड़े वाले स्टोन्स लगाए हुए हैं, और पूरे दुपट्टे पे इसी टाइप की मरून कलर की बॉर्डर जो लहंगे में और ब्लाउज में दोनों में दिए, दोनों को कॉम्प्लीमेंट करती हुई बॉर्डर दी गई है, बॉर्डर पे भी सेम वही वर्क है, और यहाँ पे देखिए ये वाला लेस लगा हुआ है, ये वाला लटकन वाला लेस लगा हुआ है, जो कि बहुत ही सुंदर लुक देता है एक दुल्हन को, अगर वो दुपट्टा, ये दुपट्टा अगर ओढ़ती है तो एक दुल्हन। तो बहुत ही प्रीटी लगता है। तो इस दुपट्टे की लेंथ अच्छी खासी है, लेंथ पूरी अच्छी खासी है इसकी, ये 2.25 मीटर का दुपट्टा है, और बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। आई होप गाइज आपको आज का ये मेरा ब्राइडल लहंगा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल का नाम है इट्स अबाउट एवरीथिंग विशाखा सिंह। उसके तब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।